पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बांग्लादेश में स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि हिंसा, आतंक और भय का माहौल बन रहा है जो बांग्लादेश के लोग नहीं चाहते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की विफलता के कारण बांग्लादेश में स्थिति सामान्य नहीं हो रही है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे देश में सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए और विचार विमर्श किया जाना चाहिए। स्थिति जिस दिशा में बढ़ रही है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति पर बहुत गंभीरता से चर्चा करना महत्वपूर्ण है। हम सभी को मिलकर वहाँ की स्थिति को सामान्य करने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करना चाहिए। बांग्लादेश की जो स्थिति वो दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं, फिर भी मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश की जो आम लोग, ये आम लोग इस तरीके से हिंसा, इस तरीके से दहशतगर्द भय भीत के माहौल जो मंडर रहे हैं वो बांग्लादेश के आम नागरिक ये नहीं चाहते। लेकिन बांग्लादेश के अंदर कुछ धार्मिक, जिसको हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, ये मौलवादी कुछ तत्वों के इशारे पे, और बांग्लादेश की जो आज की जो अंतरिम जो सरकार है, इंटरिम जो गवर्नमेंट है, उनकी नाकामी कहिए, मिलीभगत कहिए, साजिश कहिए, इसके चलते बांग्लादेश में स्थिति अभी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं।